कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सारी उससे उससे नज़र रखी जाती है। और लगाई के सुनायू ने इसलिए है कि वो आपना जब, लेकिन जिस प्रकार से एलईडी बंद हुई, डेढ़ घंटे एलईडी बंद रही, उसका कोई अधिकारी यहाँ आया नहीं, बड़ी मुश्किल से वो एलईडी चालू हुई। उस डेढ़ घंटे के अंदर क्या हुआ है, वोटों की हेराफेरी हुई है, रिमोट से वोटों कंट्रोल किया गया है या मशीनों में छेड़छाड़ की गई है, ये सभी जांच का विषय है और चुनाव आयोग को इसकी जांच करना चाहिए और उसका खुलासा जनता के सामने, मीडिया के सामने करना चाहिए। उस डेढ़ घंटे में क्या हुआ है, कौन सी साजिश हुई है, कौन से अधिकारी मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी जिला प्रशासन आज भी सरकारी दबाव में काम कर रहा है और मुझे लगता है कि जरूर डेढ़ घंटे की साजिश का खुलासा करना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि उन डेढ़ घंटों में क्या हुआ है। इस बात की शिकायत हमने कम दबाव की है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई बंद है। ये जो है चुनाव आयोग पर जाता है, चुनाव आयोग ने कहा था कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद होगी, आज ये स्थिति है कि लाइट का बहाना करके कोई अन्य बहाना करके रेडी बंद कर जाती है। जनता है ताकत और प्रवर्तन है हम पार्टी का, ये कई भारतीय पार्टी चुनाव जीते कुछ भी मशीनों छेड़छाड़ कर सकती है, टेम्परिंग हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और लगातार दिनों रात यहाँ पर क्या साइड उपस्थित रहेंगे, तैयारी करेंगे।